अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकत के लिए हैं जो ज़मीन व आसमान का मालिक व खालिक है। बेशक आइए सबसे पहले एक बार हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नहायत ही अदब व एहतराम से मोहब्बतों से दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज के मौज़ू का उनवान भी हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की हाज़री के आदाब और फजीलत है। तो आइए जानते हैं कि चारों मसालिक का क्या इजहार ख्याल है। जी हाँ नाज़रीन, रोज़ा रसूल की ज़ियारत करना और वहाँ ज़िंदगी के चंद लम्हात गुजारना हर मुसलमान की दिली तमन्ना और सच्ची ख्वाहिश है। हदीस मुबारक में बज़ाते खुद हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत मदीना और कब्र अनवर पर हाज़री की तरगीब दिलाई। मज़ीद ये कि ज़ियारत करने वालों के लिए अहादीस मुबारका में बशारतें भी बयान की गई। रोज़ा रसूल में जिस मुकाम पर दस्ते अनवर मौजूद है इस मुकाम का अफजल व आला होना मुतफिका मुसलमा है। याद रहे कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम व तकीर जिस तरह आपकी हयात मुबारका में मुसलमानों पर फ़र्ज़ थी, इसी तरह दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाने के बाद भी फ़र्ज लाजमी और ज़रूरी है। मुसलमानों का तरीका है कि जब भी हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं तो ज़रूर बज़रूर हज से पहले या हज के बाद मदीना मुनव्वरा में भी हाजी का शरफ हासिल करते हैं, क्योंकि ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना गोया आपकी ज़ाहरी हयात मुबारका में आपकी ज़ियारत करने के मुतरातिफ है। हज़रत हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे वसाले ज़ाहरी के बाद मेरी ज़ियारत की गोया इसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की। सुबहानअल्लाह। इसके अलावा दीगर रवायात में भी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले के लिए शिफात और जन्नत में परोसी होने की बशारतें भी थी। चराचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मक्का मुकर्रमा में हज किया फिर इसने मेरी मस्जिद में कसद किया इसके लिए दो मबरूर हज लिखे जाएंगे। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सवाब की नीयत से मदीना में मेरी ज़ियारत करने आएगा वो क़्यामत के दिन मेरे पड़ोस में होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी कब्र मुबारक की ज़ियारत की क़्यामत के दिन इसकी शफात करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की इसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स सिर्फ इसीलिए मदीने जाए कि इसका मकसद और नीयत सिर्फ रोज़ा अनवर पर हाज़री देना हो तो ऐसे खुश नसीब के लिए भी बरोज़े क़्यामत शफात की नवीद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे पास ज़ियारत के लिए आया इसके पास मेरी ज़ियारत के अलावा कोई हाजत नहीं थी तो मेरे ऊपर इसका हक है कि मैं क़्यामत के दिन इसकी शफात करूँ। सफ़र हज में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना करना गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाइंसाफ़ी और मज़हब की रूह से असूल की ख़िलाफ़ वर्जी करना है। यानी ये अमल हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने के मुतरादिफ़ है। चनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की बेशक इसने मेरे साथ जफा की। रोज़ा रसूल पर हाज़री के आदाब में इंतहाई अहम अदब यह है कि ज़ियारत करने वाले का रुख हजूर के रोज़ा अनवर की तरफ और पीठ क़िबला की जानब हो। आम मुशाहदा और ममूल भी यही है कि किसी भी शख्स की ज़ियारत के लिए जाया जाता है तो चेहरा इसकी जानब होता है, ना कि इसकी जानब पीठ करके सलाम पेश किया जाता है या इससे बात की जाती है। अगर कोई शख्स किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत के लिए जाए और इसकी जानब चेहरा करने की बजाय पीठ फेर कर खड़ा हो जाए और अपना मुद्दा पेश करने लगे तो यकीनन हर साहिब अक़ल इस अमल को बेअदबी में शुमार करेगा।
इसी तरह जब आम हालात में तर्ज अमल ये हो, इस अजीम हस्ती की ज्यारत के वक्त वही अमले अख्तियार करना होगा जिसमें अदब का पहलू शामिल हो, बेअदबी ना हो। लिहाजा इसी वजह से हमारे इस्लाफ और उलमा इकराम ने रोज़ा रसूल की जानब चेहरा करने को अदब बताया है। कसीर उलमा सुलहा मशायख से ये बात पाया सबूत तक पहुँचती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की हाजिरी के वक्त चेहरा रोज़ा अनवर की तरफ होना चाहिए। अल्लामा सैयद समहूदी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के आदाब में लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मस्नद में हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि सुन्नत यह है कि रोज़ा मुकर्रम की तरफ चेहरा हो और पीठ क़िबला की जानब हो। ज़रकानी शरा अल-मुहाब में फरमाते हैं, जहाँ तक रोज़ा अनवर की तरफ रुख करके दुआ मांगने की बात है तो जमहूर यानी शवाफ़े मालकिया और अहनाफ के नज़दीक असल कौल यही है कि जो अल्लामा इब्ने कमाल बिन हमाम ने फरमाया कि जो दुआ मांगने का रादा करे इसके लिए रोज़ा अनवर की तरफ रुख करके और किबला की सिमत पीठ करके दुआ मांगना मुस्तहिब है। अल्लामा सैयद अहमद बिन ज़ैनी दहलान लिखते हैं कि शेख ताहर संबल ने अपने रसाला में जिक्र किया कि फ़िक़्हे हम्बली के मुफ्ती शेख मक्का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हमैद से इस बारे में फतावा लिया गया कि उन्होंने फरमाया कि हनाबला के नज़दीक राजे कोल यही है कि दुआ मांगते वक्त रुख रोज़ा मुबारक की जानब हो और वसीला भी मुस्तहिब है। नाज़रीन दर्ज वाला इबारा से मालूम हुआ कि चारों मसाल के दीन के आयमा मुज्तहदीन के नज़दीक राजे कोल रोज़ा मुबारक की तरफ रुख करके दुआ मांगना है और यही अदब का तकाजा है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह सरी और वाज़े अंदाज में रोज़ा रसूल की जानब पीठ करने से मना फरमाया। अल्लामा काजी अयाज मालिकी लिखते हैं कि अब्बासी दौर के दूसरे खलीफा जाफर मंसूर हज करने के बाद रोज़ा अनवर की ज्यारत के लिए आए तो उन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया, क्या मैं काबा की तरफ मतवज्जा होकर दुआ मांगूँ या हजूर की तरफ मतवज्जा होकर दुआ मांगूँ? तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब में इरशाद फरमाया, क्यों तू अपने रब के चेहरे को ऐसी ज़ाते ग्रामी से फेरता है जो अल्लाह ताला की बारगाह में तेरा वसीला भी है और तेरे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वसीला भी है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हो और इनसे शफात तलब कर। अलगर्ज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई हसास मुकाम है नाजरीन, जहाँ ज़रा सी भी बेअदबी पूरी ज़िंदगी के अमाल अकारत हो जाते हैं और इसका अंदाज़ा भी नहीं हो पाता। लिहाजा इस मुकद्दस मुकाम और यहाँ आराम फरमा मुकद्दस हस्तियों की तज़ीम व तौकीर और आदाब का गायत दर्जा ख्याल रखना ज़रूरी है। अल्लाह अमल की तफ़ीक मरहमत फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हमें भी हजूर का अदब करने वाला बनाए। आमीन।